अगर आपके फैमिली में फ्रेंड्स किसी को अगर मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जैसे हो गया वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या वृद्धा पेंशन, ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर कोई भी इस लिस्ट में अगर नाम है आपका, अगर मिलता है आपके घर में पेंशन किसी को, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि रिजेक्ट लिस्ट में आपका नेम है या नहीं। यानी कि एक फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं नाम बताने वाला हूँ कि अगर वहाँ पे आपका नाम होगा तो आपका फ्रेंड्स कभी भी पेंशन बंद हो सकता है। अगर पेंशन मिलता है या अभी तक मिल रहा है या मिलता होगा, ठीक है, तो आने वाले समय में भविष्य में वो पेंशन मिलना बंद हो सकता है। इसलिए उसका उससे बचने का उपाय सब कुछ मैं आज इसकी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं, ठीक है। और आपका नाम है भी तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका पेंशन नहीं रुकेगा और आपको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो शुरू से अंत तक आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको मैं बारी बारी से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं और किस तरह से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, देने के लिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको गूगल में सर्च करना है ई लाभार्थी, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ ई लाभार्थी। जैसे यहाँ पे ई लाभार्थी आप सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको ई लाभार्थी वाला पे क्लिक कर देना है। जैसे ई लाभार्थी पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इस वाला पे आपको क्लिक करके यहाँ से इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करते हैं आप, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपल सी यहाँ थ्री लाइंस डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इस पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आप, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिंक वन और लिंक यहाँ पे टू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिंक पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे एक नंबर लिंक के पे मैंने क्लिक किया फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर के आ गया है। यहाँ से फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्री रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इंट्री रिपोर्ट है। सिंपल सी इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अब देखना है, यहाँ पे सात नंबर में फ्रेंड्स ER7 में आपको आधार जीवन प्रमाण ऑथेंटिकेशन और अनऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ सात नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सात नंबर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आप, तो आपका जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको अपना स्कीम चूज कर लेना है कि कौन सा स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक स्कीम चूज कर ले रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पर इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन मैंने चूज कर लिया हूँ, ठीक है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लॉक लेवल ऑपरेटर पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। ब्लॉक लेवल ऑपरेटर पे क्लिक करने के बाद सिंपल सी यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं जो ऑप्शन यहाँ पे है शो का, ठीक है, इसी शो वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे शो वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो शो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। चलिए मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद सिंपल सी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं यहाँ पे आपको, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे ब्लॉक चूज करना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ब्लॉक चूज कर ले रहा हूँ। ब्लॉक चूज करने के बाद जैसे ब्लॉक यहाँ पे चूज कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने। यहाँ से आपको अपना पंचायत नेम चूज कर लेना है, जो भी आपके यहाँ पे पंचायत है, जिस पंचायत का आप देखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कोई एक पंचायत भी चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। पंचायत चूज करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहीं पर आपको ध्यान देना है इस वाला कॉलम में UID स्टेटस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी इसी पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे डिटेल्स पूरा आ जाएगा आपके पंचायत में जितने आदमी को मिलता है पेंशन सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको बता दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं UID स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं UID स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी वाला कॉलम में आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर इसमें दिया हुआ है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और जिनका यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर आप अनऑथेंटिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको इन्हीं का पेंशन फ्रेंड्स आने वाले समय में बंद हो सकता है, ठीक है। अभी मिल रहा है लेकिन आने वाले समय में अगर जीवन प्रमाण पत्र प्रमाण आप नहीं बनवाते हैं तो
तो आपका पेंशन बंद हो सकता है। तो अगर आपके फैमिली में किसी को अगर अनऑथेंटिकेशन बता रहा है तो आप जा कर के उनका बायोमेट्रिक से उनका जीवन प्रमाण कराइए, किसी भी साइबर कैफ के वाले के यहाँ चले जाइएगा जहाँ ऑनलाइन का दुकान है वहाँ पे, और बोलिएगा कि जीवन प्रमाण बनवाना है तो वहाँ पे आपको बना देंगे, ठीक है। CSC कॉमर्स सर्विस सेंटर होता है जहाँ पे, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, अनऑथेंटिकेटेड है जिनका, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका ऑलरेडी बन गया है, लेकिन अनऑथेंटिकेटेड है उनका नहीं बना है, इसलिए उनको बनवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनका पेंशन आने वाले समय में बंद हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह का वीडियो हमेशा मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ।